Welcome to my channel, everybody. This is my 8th lecture for the first chapter of physics of ICSE. The name of the chapter is Measurements and Experimentation. जिन लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा था उन लोगों के नाम इस प्रकार हैं: शादमान फ्रॉम भागलपुर, अभिषेक कुमार फ्रॉम रांची, हिमांशु केसरी फ्रॉम रांची एंड आशुतोष केसरी ऑल्सो फ्रॉम रांची. सो इट इज़ गुड दैट यू ऑल आर स्टडिंग एंड सेंडिंग मी द होमवर्क्स रेगुलरली. आज हम पहला चैप्टर का सेक्शन नंबर सी को स्टार्ट करने वाले हैं. पहला दो सेक्शन, सेक्शन ए और सेक्शन बी को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में. तो चलिए आज हम सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक जो है वो है सिंपल पेंडुलम. एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये हम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. हम सब जानते हैं सिंपल पेंडुलम क्या होता है. क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं. सिंपल पेंडुलम में एक बॉब रहता है, एक जिस बॉब को हम एक धागा से, एक स्ट्रिंग के सपोर्ट से हम उसे लटका देते हैं किसी रिजिड सपोर्ट के माध्यम से. इट इज़ वेरी क्लियर कि एक रिजिड सपोर्ट है, वहाँ पे मैंने क्या टांग दिया है, एक धागा के माध्यम से कोई भी एक रिजिड, कोई भी एक मास को. किसको? मास. जिस मास को हम क्या बोलते हैं? बॉब. ठीक है, तो अब ये बॉब को हम स्विंग कर सकते हैं, यानी लाइक दिस द बॉब कैन स्विंग. अभी जो पॉइंट ओ है, आप देखिए डायग्राम में पॉइंट ओ, इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन. इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन ऑफ द बॉब. ठीक है, और जब हम इधर उसको मैक्सिमम लेफ्ट साइड उसको ले जाते हैं तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन. और फिर ये जब अपने दूसरे साइड में जाता है अपने एक्सट्रीम पोजीशन को, तो ये भी इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन होता है. यानी इस बॉब का दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी उसका एक्सट्रीम पोजीशंस हैं. ठीक है, और पॉइंट ओ पर क्या है? इसका मीन पोजीशन. तो आई होप मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन आर क्लियर टू यू. ठीक है, आपके डायग्राम में एक ही बॉब का डायग्राम बना हुआ है. ये जो दो अलग अलग साइड में बॉब दिख रहे हैं ये वही सेम बॉब है एट डिफरेंट पोजीशंस. अलग अलग पोजीशन पर उसी बॉब को शो किया गया है. ये बॉब ऑक्सीलेट कर रहा है यानी वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है, ये स्विंग कर रहा है. तो इसको समझते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन टर्म्स को भी हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब हमारे लिए नए टर्म्स नहीं हैं. अगर आप ध्यान से क्लास 7 और क्लास 8 के फिजिक्स को पढ़े हैं, साउंड चैप्टर को, तो आपके लिए ये सब टर्म्स बिल्कुल भी नए नहीं हैं और ये बहुत इजी टर्म्स हैं. इसीलिए मैं ज़्यादा समय इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने में नहीं व्यतीत करूँगा. ठीक है, उसके पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसको किस सिंबल से लिया गया है? एल. ठीक है, आप डायग्राम में देखिए कि यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है. दिस एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो टर्म है ऑक्सीलेशन उसको समझते हैं. ऑक्सीलेशन किसे कहेंगे? वन ऑक्सीलेशन कैसे हम कहेंगे? जब ये बॉब अपने मीन पोजीशन से, यानी पोजीशन ओ से, आप डायग्राम को देखिए आपको समझ में आएगा, पोजीशन ओ जिसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं, अपने मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा यानी ए पर जाएगा, फिर ए से बैक अपना मीन पोजीशन में आएगा यानी ओ पर आएगा, फिर ओ से वो अपने दूसरे मीन दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा यानी बी तक जाएगा, और फिर बी से वापस ओ पर आएगा. इस मूवमेंट को हम बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन. तो वन ऑक्सीलेशन किसको बोलेंगे? ओ से ए, फिर ए से ओ, फिर ओ से बी, बी से ओ. दिस मूवमेंट इज नोन एज वन ऑक्सीलेशन. इसको वन टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं. वन ऑक्सीलेशन को क्या बोलते हैं? वन टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, नॉट टू एंड फ्रॉम मोशन, टू एंड फ्रो मोशन. तो वन ऑक्सीलेशन का दूसरा नाम क्या है? टू एंड फ्रो मोशन. इसे वन वाइब्रेशन भी बोलते हैं. तो आई होप वन ऑक्सीलेशन का क्या मतलब है आपको क्लियर हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन के तरफ बढ़ते हैं, वो है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का नाम से ही पता चल रहा है कि ये समय को डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है. यानी इसका SI यूनिट क्या होना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम है. ठीक है, तो टाइम पीरियड का SI यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है. अब हम इसका डेफिनेशन समझते हैं.
टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कम्प्लीट वन ऑक्सीलेशन, यानी एक ऑक्सीलेशन कम्प्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं। मान लीजिए एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में से एक सेकेंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? वन सेकेंड। मान लीजिए एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में इसे दो सेकेंड लग रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा दो सेकेंड। और एक ऑक्सीलेशन का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ऑक्सीलेशन का मतलब क्या क्या होता है, आप फिर से रिकॉल कीजिए इस चीज़ को तभी आपको क्लियर हो जाएगा। रिकॉल कीजिए, एक ऑक्सीलेशन मतलब यस, ओ पॉइंट से ए तक जाएगा, ए से वापस ओ में आएगा, ओ से बी तक जाएगा, बी से वापस ओ में आएगा, इसे हम बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन। तो ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में उसे जितना समय लगता है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो आई होप बोथ द डेफिनेशन आर क्लियर। नाउ मूविंग टू द थर्ड डेफिनेशन विच इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे? पहले मैं बुक में जो लिखा हुआ है उस डेफिनेशन को मैं पढ़ता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन वन सेकेंड, यानी जितना ऑक्सीलेशन होता है एक सेकेंड में वही होता है इसका फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकेंड में मान लीजिए इस सिंपल पेंडुलम ने दो ऑक्सीलेशन कंप्लीट किया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? टू ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। और वही टू ऑक्सीलेशन पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? हर्ज। यानी ऑक्सीलेशन पर सेकेंड को हम हर्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या हो गया? हर्ज। ये चीज ऑलरेडी आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ और रिटन नोट्स इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट क्या होता है? हर्ज। और एक सेकेंड में अगर ये सिंपल पेंडुलम दो ऑक्सीलेशन कर रहा है तब हम बोलेंगे कि इस सिंपल पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी 2 हर्ज है। अगर एक सेकेंड में वो तीन ऑक्सीलेशन कर रहा है तो बोलेंगे 3 हर्ज है इसका फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन मेड इन वन सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एम्पलीट्यूड बहुत ही सिंपल है, एम्पलीट्यूड को समझना। एम्पलीट्यूड मतलब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन, अपने मीन पोजिशन के दोनों तरफ या किसी भी एक तरफ, अपने मीन पोजिशन के किसी भी एक तरफ वो जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है। यानी वो मैक्सिम, आप इस साइड को देख लीजिए, ओ से वो ए तक जा रहा है, तो ओ से ए के बीच का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो जितना दूरी है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ओ से बी तक की दूरी को भी हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं, तो दोनों आइडियल केस में दोनों साइड में, ऑन ईदर साइड, किसी भी एक साइड में उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो सेम होगा, तो उसी ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मतलब कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की दूरी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसे हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? मीटर में। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। सो देयर इज नो डाउट इन दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ा था? टाइम पीरियड हमने अभी जस्ट पढ़ा। टाइम पीरियड इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टाइम पीरियड को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। और अभी हमने फ्रीक्वेंसी को भी पढ़ा। फ्रीक्वेंसी को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, यानी टी और एफ में क्या रिलेशन है। तो टी और एफ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल, यानी एफ इज इक्वल टू 1/t, या फिर हम टी को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/f। दोनों सेम ही इक्वेशन है, एक बार एफ को सब्जेक्ट बनाया गया है, एक बार टी को सब्जेक्ट बनाया गया है। तो आपको ये इक्वेशन याद रखना है, कोई भी एक इक्वेशन याद रखिएगा, दूसरा वाला आपको ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं चलिए मैं इसी स्लाइड में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 सेकेंड। फिर पूछेगा आपसे फाइंड द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, यानी एफ इक्वल्स टू 1/t, और टी क्वेश्चन में गिवन है, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2
f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 0.5 हर्ज, hz हम लिखेंगे हर्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है। तो हमारा टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड है तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 0.5 हर्ज। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अभी ये जो ग्राफ आपके सामने है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है जो काउंसिल की तरफ से आया था इस साल 2020 में, जो काउंसिल की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर आया था क्लास 9th के एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स के लिए, उसमें ये ग्राफ पूछा था। ठीक है, और ये पहली बार ये एग्जाम काउंसिल की तरफ से क्वेश्चन पेपर आया है, तो हम सब जानते हैं कि दिस वॉज अ फर्स्ट टाइम वेयर क्वेश्चन फॉर द फाइनल टर्म एग्जाम ऑफ क्लास 9 वर सेंट बाई काउंसिल। ठीक है, और उस क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से इस ग्राफ को पूछा गया था। ठीक है, तो ये ग्राफ इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। क्या है ग्राफ, ये ग्राफ है आपका टी स्क्वायर यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इन दो पैरामीटर्स के बीच का ग्राफ है। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पर किसको प्लॉट किया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल को। ठीक है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी सिंपल पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ, उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, और दूसरे साइड हमने टाइम पीरियड का स्क्वायर को प्लॉट किया, और एक्सपेरिमेंटली हमने वैल्यूज को जो हमें वैल्यूज मिला एक्सपेरिमेंट से, उन वैल्यूज को हमने ग्राफ पर प्लॉट किया टी स्क्वायर वर्सेस एल, और हमें जो ग्राफ मिला वो एक इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिला। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपके लैब में है, आपके क्लास 9 के सिलेबस में ये प्रैक्टिकल है, आप ज़रूर कीजिएगा अपने स्कूल में, उसमें भी आपको ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया था, ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ एल, तो आपको ये ग्राफ बनाना है जहाँ पे आपको वाई एक्सिस में टी स्क्वायर प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस में एल, और एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करना है जो ग्राफ है हमारा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि इस ग्राफ के माध्यम से हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकाल सकते हैं, यानी स्मॉल जी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम बोलते हैं, इस ग्राफ के हेल्प से हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे हम सबको याद है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू तो हमें सबको याद होनी चाहिए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं कि एक्सपेरिमेंट से जो हमें वैल्यूज मिला टी स्क्वायर और एल का ग्राफ जो हमने प्लॉट किया, इस ग्राफ के हेल्प से हम जी का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी आपका आपके सिलेबस में है, क्लास 9 के प्रैक्टिकल सिलेबस में है, थ्योरी में नहीं है, प्रैक्टिकल सिलेबस में है। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे आपको थ्योरी पोर्शन कवर करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल पोर्शन तो मैं पॉसिबल नहीं है कवर कराना, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जी कैसे निकालिएगा, इस इक्वेशन का हेल्प लेके, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर डिवाइडेड बाय द स्लोप ऑफ टी स्क्वायर वर्सेस एल ग्राफ। तो आपको न्यूमरेटर में 4 pi स्क्वायर रखना है और डिनोमिनेटर में क्या रखना है, इस ग्राफ का स्लोप। अब इस ग्राफ का स्लोप आप कैसे निकालिएगा, स्लोप निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो आपको स्लोप निकालना बहुत इजी है। आप कोई भी दो पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए इस ग्राफ में, जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया पॉइंट पी और पॉइंट क्यू, ग्राफ पर कोई भी दो पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और पहले अब हम देखते हैं पॉइंट पी, पॉइंट पी का कोरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है, सपोज टी वन स्क्वायर है। ठीक है, इधर हमने जो वैल्यू लिया उसका हमने टी वन स्क्वायर से ले लिया, और उस पॉइंट क्यू का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, टी टू स्क्वायर। तो अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, दोनों वैल्यूज को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, उसको फिर डिवाइड करेंगे हम कोरेस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के वैल्यूज के साथ, यानी एल वन माइनस एल टू, एल वन माइनस एल टू, पॉइंट पी का कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्स एक्सिस में एल वन था, तो एल वन ले लिया हमने यहाँ, और यहाँ पे एल टू ले लिया क्यू के लिए। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी, यहाँ पे तो वैल्यूज हमने नहीं लिया है ना, हमने तो एल्जेब्रिकली हमने वेरिएबल्स यहाँ पे ले लिए हैं,
तो वेरिएबल से ही समझते हैं. द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल वन माइनस एल टू. ये जब हम इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे द ओरिजिनल वैल्यूज दैट विल गिव मी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ. ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिकल कीजिएगा आपके स्कूल में तो आपकी टीचर आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करवाएगी और वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आप ऑब्टेन करेंगे आपको उससे सबसे पहले ये ग्राफ बनाना होगा अपने ग्राफ शीट पर और फिर आपको स्लोप निकालना होगा इस फॉर्मूला से. और स्लोप निकल जाने के बाद आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है स्लोप का वैल्यू डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 4π² तो आपको जी मिल जाएगा विच विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो दिस वॉज अवर एक्सपेरिमेंटल पार्ट. इसमें से थ्योरी में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, थियोरेटिकल पार्ट में आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मैंने आपको बताया. एक ऑब्वियस क्वेश्चन है कि ये ग्राफ डायरेक्टली पूछ देगा कि ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ टी स्क्वायर विथ एल. तो आपको सिंपल बिना कोई वैल्यूज लिए आपको ये ऐसा ग्राफ बनाना है जैसा आपके सामने बना हुआ है. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन थियोरिटिकल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. इस टॉपिक से भी इस बार काउंसिल से जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्वेश्चन था. तो क्या क्या वो दो फैक्टर्स है जिस पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है, यानी कैपिटल टी जिसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं. टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है, एल पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे. और कैसे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल. आपको दिख रहा है पहला वाला इक्वेशन, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल. ठीक है, तो स्क्वायर एल के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड, यानी ठीक है. तो ये आपका पहला इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन क्या है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी. जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, हमारा टाइम पीरियड. ये दो फैक्टर्स आपको याद रखना है. पहला फैक्टर क्या है आपका, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. दूसरा फैक्टर क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के स्क्वायर रूट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के स्क्वायर रूट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के स्क्वायर रूट पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने 1/ स्क्वायर रूट जी लिख दिया. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखना है, दो फैक्टर्स आपको याद रखना है. अब एक क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड्स में कि क्या मास ऑफ द बॉब के मास पर क्या टाइम पीरियड डिपेंड करता है. तो यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब. ये आपको याद रखना है. और इस पर भी क्वेश्चन आया था कि क्या मास ऑफ द बॉब पर टाइम पीरियड डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है. आपको लिखना है क्लियरली कि टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब. इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द स्विंग. वो जो स्विंग कर रहा है, ऑक्सीलेशन कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड. तो ये एम्पलीट्यूड और मास पे डिपेंड नहीं करता है. टाइम पीरियड किन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर ही. ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए इस फैक्ट को. ठीक है, अब फाइनली हमें एक एक्सप्रेशन याद रखना है. इस एक्सप्रेशन का डेरिवेशन आपको एग्जाम पर्पस के लिए नहीं पढ़ना है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, लेकिन आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, आपको रट लेना है ये इक्वेशन. और इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे. तो आपका इक्वेशन क्या है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. यानी आपका ये दोनों चीज़ तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी. ठीक है, और उसके साथ हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया और इक्वल्स टू का साइन लाया और हमने कांस्टेंट को ऐड किया 2π. तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखना है. इस फॉर्मूला को आप रट लीजिए, अच्छे से रट लीजिए. ठीक है, अभी हम इस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे.
तो पहला क्वेश्चन ये आपके बुक में है. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम. ठीक है, तो मुझे एक सेकेंड पेंडुलम का पहले हम जान लेते हैं. क्वेश्चन को करने के पहले हम एक टॉपिक हमारा छूट गया था, वो है सेकेंड पेंडुलम, इसको पहले देख लेते हैं. सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, अ पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड. ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. सेकेंड पेंडुलम मतलब एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना हो, 2 सेकेंड हो. तो क्वेश्चन में अगर कभी भी सेकेंड पेंडुलम लिखा हुआ है, इसका मतलब कि टाइम पीरियड दिया हुआ है क्वेश्चन में. कितना टाइम पीरियड है आपका, कैपिटल डी का वैल्यू 2 सेकेंड है. तो अगर ऐसा कोई भी पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, उसे हम सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं. नो डाउट, ये क्लियर हो गया. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम. सेकेंड पेंडुलम का लेंथ निकालना है. तो सेकेंड पेंडुलम जैसे ही लिख दिया, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड. क्वेश्चन में कहीं अलग से फिर मेंशन नहीं किया है, इसी वर्ड से आपको पकड़ लेना है कि ये सेकेंड पेंडुलम है, यानी इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स होगा. ठीक है, एट अ प्लेस वेर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी दिया हुआ है. आपको निकालना है लेंथ. क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द लेंथ. तो आपका ये इक्वेशन, अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ा, टी इक्वल्स टू 2π√L/g, इस इक्वेशन से हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया और L को सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बनाया. ठीक है, हमने L को सब्जेक्ट बनाया, बना सकते हैं ना, कैसे इसको, इस L को हमने कैसे सब्जेक्ट बनाया. बहुत लोग आई नो विल बी एबल टू डू इट, लेकिन मैं जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है कि कैसे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाया गया, उसको मैं बता देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि इस जो इक्वेशन है, जो बेसिक इक्वेशन है, इसको दोनों साइड पे स्क्वायर किया. तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी दोनों साइड स्क्वायरिंग किया गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा टी क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2π क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और ये पाई स्क्वायर बन जाएगा. और अंडर रूट L/g क्या बन जाएगा, L/g, क्योंकि रूट हट जाएगा अब, क्योंकि आपने स्क्वायरिंग कर दिया. अब तो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, नो डाउट. आपने जी को इधर शिफ्ट कर दिया तो टी स्क्वायर इंटू जी बन गया. तो आपका देखिए इधर न्यूमरेटर में क्या है, जी इंटू टी स्क्वायर. और फिर आपने एल को इसी जगह रखकर आपने 4π² को आपने नीचे सेंड कर दिया. तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4π², यानी L इज इक्वल टू GT² / 4π². आई थिंक क्लियर हो गया कैसे हमने L को निकाला बेसिक इक्वेशन से. अब हमने क्या किया, बस वैल्यूज को पुट कर दिया. G का वैल्यू भी दिया हुआ था, T का वैल्यू दिया हुआ था, हमने उसका स्क्वायर कर दिया. नीचे 4π² को भी हमने पुट किया, पाई का वैल्यू हमने 3.14 लिया है. और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा 0.994 मीटर हमारा लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम आंसर आ गया. ठीक है, आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर. आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल को समझ रहे हैं ना, आप वीडियो को पॉज करके अपने से सॉल्व कीजिए कॉपी में. अगर आप नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं बना पाइएगा, क्योंकि अगर अभी आपको लग रहा है कि मैं तो समझ जा रहा हूँ तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, इससे आप को नुकसान होगा. आप इस वीडियो को पॉज करके अपने से आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका मैथमेटिकल पार्ट अपने से सॉल्व कीजिए और आंसर लाइए. देन ओनली यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस. बिलीव मी, इफ यू ओबे मी, इफ यू फॉलो वॉट एवर आई एम सेइंग, यू विल बी बेनिफिटेड. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. आपको दो सिंपल पेंडुलम है, दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करना है. At places where g is equal to 9.8 meter per second square and another place is 4.36 meter per second square. तो दो अलग अलग जगह हैं, दो अलग अलग जगहों का जो acceleration due to gravity है, g है, वो अलग अलग है. ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगहों में g अलग अलग है, तो दोनों अलग अलग जगहों में मुझे एक particular simple pendulum, यानी simple pendulum एक ही है लेकिन दोनों अलग अलग जगह में उसका time period मुझे निकालना है. एक ही सिंपल पेंडुलम है, यानी इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है, एकदम सेम सिंपल पेंडुलम को हम ले जा रहे हैं पहले एक ऐसे जगह में जहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 है, तो वहाँ का टाइम पीरियड, और फिर हम उसे ले गए एक ऐसे जगह में जहाँ पे जी का वैल्यू 4.36 है, तो फिर हम वहाँ का टाइम पीरियड, दोनों के टाइम पीरियड को मुझे कंपेयर करना है. ठीक है, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर. नाउ हाउ वी विल सॉल्व इट. तो G1 ले लिया मैंने पहला जी का वैल्यू, और G2 ले लिया सेकेंड वाला जी जो दिया हुआ है 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू. ठीक है, और हमने पढ़ा था क्या, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी, ये इक्वेशन हमने पढ़ा था. ठीक है, आपको याद है इक्वेशन, कहाँ पढ़ा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना ये वाला इक्वेशन. ठीक है, तो उसी इक्वेशन को हमें यूज करना है यहाँ पे.
हमने इसको यूज़ किया, तो अब हमने T1 by T2, हमारा दोनों जो दो टाइम पीरियड जो आएंगे अलग अलग टाइम पीरियड, तो पहला टाइम पीरियड को हमने T1 ले लिया, दूसरा टाइम पीरियड को T2 ले लिया, विल बी इक्वल टू G2 by G1 का अंडर रूट। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि अंडर रूट जी इन्वर्सली था तो ऊपर में G2 का स्क्वायर रूट और नीचे में G1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी और टी। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन से हमने यहाँ वैल्यूज पुट किया, और वैल्यूज पुट करने के बाद हमारा जो वैल्यूज आया वो है 1 by 1.5। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा एक होल नंबर्स में इसका रेशियो आ गया 2 by 3। तो हमारा T1 is to T2 क्या मिला हमें रेशियो 2 is to 3, यानी T1 और T2 के बीच का जो रेशियो है वो 2 is to 3 है। तो हमने कंपेयर कर दिया दोनों टाइम पीरियड्स को। ठीक है, तो आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, और इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, बोर्ड्स मतलब मैं बोर्ड्स इस पर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्लास 9th में भी आपका काउंसिल से क्वेश्चन पेपर आ रहा है, इस बार से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मैंने टर्म यूज़ कर दिया बोर्ड्स। ठीक है, तो सेकेंड पेंडुलम ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, और ये है आज आपका आज का होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ। अरे सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हमने आज कवर किया है उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप अपना होमवर्क मुझे बनाकर इस ईमेल आईडी पर sunando.devnath@yahoo.com पर भेज दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ फीडबैक देना है, मुझे कुछ ओपिनियंस देना है, और मुझे अगर कुछ भी मेरे साथ शेयर करना है, वो सारे चीज़ें भी आप मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप होमवर्क भेजेंगे, आप प्लीज़ मुझे अपना नाम, योर नेम शुड बी क्लियरली मैंशनड ऑन योर होमवर्क। आपका नाम मेंशन कर दीजिएगा, आपका स्कूल का नाम मेंशन कर दीजिएगा, और आप कहाँ रहते हैं, आपका प्लेस ऑफ स्टेइंग, आपका जिस जगह में आप जिस राज्य में रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो नाम भी आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड ऑल्सो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9, एंड वी विल मीट अगेन विद द सेकेंड चैप्टर। The name of the second chapter is Motion in One Dimension. Thank you.